हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आगे बढ़ते हैं उसी कोडिंग डिकोडिंग में ही। हम जो क्रम व्यवस्था वाला चैप्टर देख रहे थे, क्रम व्यवस्था के चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि जो हमारा क्रम व्यवस्था था उसमें या तो ऊपर से नीचे की तरफ से कुछ वस्तुएं रखी होंगी, या कोई व्यक्ति बैठे होंगे, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से, या दाएं से, या बाएं से, या दाएं से, इस तरीके से हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो उसमें बेसिकली पोजीशन बेस्ड थे, बैठने की व्यवस्था पे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे थे। ठीक है, अभी तक तो जो हमसे क्वेश्चंस पूछे गए या जो चीज़ें हमारी थी वो बैठने के आधार पर थी कि ये इस पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसकी स्थिति क्या होगी, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। अब हमारे इसी में क्रम व्यवस्था में ही एक नया टॉपिक ऐड होता है, तुलना के आधार पर। इसमें एक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तुलना के आधार पर, जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तुलना के आधार पर, वो तुलना का आधार क्या क्या हो सकता है, आयु हो सकती है, लंबाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, जो तुलना के आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनमें जो तुलना किस चीज की होगी। तुलना होगी या तो आयु की, लंबाई की, ऊंचाई की, ठीक है, बुद्धिमत्ता की, ठीक है, और परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस हो सकता है, या इस तरीके का कोई भी डाटा होगा जिसका एक तुलना होगी, कंपैरिजन होगा, उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस हम देखेंगे तो उसी में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे चीज़ें हमें सॉल्व आउट करनी होंगी। ये है हमारा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कहता है कि सीता कणिका से आयु में बड़ी है। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो लैंग्वेज पढ़ने और समझने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सीता कणिका से आयु में बड़ी है, मतलब सीता जो है, कई सारे तरीके हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस लगाने के। जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो इस तरीके से है, जैसे सीता कणिका से बड़ी है, कणिका से बड़ी है, ये बड़ा वाला है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, हम थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे क्योंकि हो सकता है इनके बीच में कोई आ जाए। ठीक है, ईला जो है कणिका से बड़ी है परंतु सीता से छोटी है। तो अगली जब पहली लाइन हमने पढ़ी, पहले स्टेटमेंट के आधार पर हमने जज किया कि सीता कणिका से बड़ी है, तो सीता को हमने इधर लिख लिया, कणिका को इधर लिख लिया। अगली लाइन पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं और उसमें जो डाटा दिया हुआ है उसको इसी में फिट करते हैं। ईला कणिका से बड़ी है तो कणिका से वो आगे आएगी, तो यहाँ भी आ सकती थी, यहाँ भी आ सकती थी, लेकिन अगली लाइन जैसे हम पढ़ते हैं परंतु सीता से छोटी है, इसका मतलब सीता से पीछे आएगी, तो ईला जो है यहाँ पर आ जाएगी। ये दूसरी लाइन हमने कवर कर ली। यहाँ पर एक सैंपा है, सैंपा मानस और कणिका से छोटी है, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो जो सैंपा होगी वो यहाँ पर कहीं होगी। ठीक है, अब मानस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मानस का अभी पोजीशन क्लियर नहीं है, लेकिन सैंपा कणिका से छोटा है और मानस जो है सैंपा से आगे ही होगा। तो फिर अगली लाइन है, जैसे हम पढ़ते हैं कणिका मानस से बड़ी है, मतलब कणिका का स्थान पहले आएगा और मानस इधर हो जाएगा। तो जो चार स्टेटमेंट थे, चारों स्टेटमेंट को हमने बिल्कुल पढ़ा, समझा और डाटा को पुट किया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो सबसे छोटा कौन है, इसमें पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सैंपा सबसे छोटा हो जाएगा, सीता सबसे बड़ी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे ये जो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में, बशर्ते हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट करना होगा। जो जो क्वेश्चन कहता जाएगा उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले एक बार दो तीन टॉपिक क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम सारे क्वेश्चन वन बाई वन, वन बाई वन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक भी कॉन्सेप्ट हमें छोड़ के आगे नहीं चलना है, अभी तो हम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी तरीके से इसमें कई सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एक अगला चैप्टर और पढ़ते हैं, उस चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी। एक नया चैप्टर लेके हम आए हुए हैं, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, डायरेक्शन। डायरेक्शन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस लेक्चर में हम डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो जो दिशा है, दिशा बेसिकली होता क्या है, किसी एक मानक के आधार पर है। दिशा का कोई मानक है, वो मानक क्या है, हमारा सूरज है। जो हमारी डायरेक्शन होती है, दिशाएं जो होती हैं, दिशाओं की परिकल्पना जो है वो सूर्य के आधार पर की गई है। सूर्य बाबा अगर जो इधर निकलेंगे तो ये पूरब हो जाएगा, और सूर्य जिधर अस्त होगा, सूर्य जिधर उदय होगा तो वो पूरब होगा, सूर्य जिधर अस्त होगा वो पश्चिम होगा, ठीक है। ठीक, सूर्य जिधर उदय होगा वो पूरब होगा, सूर्य जिधर अस्त होगा वो पश्चिम होगा, और सूर्य हमारे इंडिया में इधर से निकलेगा, ये इस डायरेक्शन से जाएगा इस डायरेक्शन की तरफ, तो ये दक्षिण होगा और इसके सामने की भुजा उत्तर होगी। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति, ये मैं था और मैं अपना चेहरा सूरज की तरफ करके खड़ा हो गया, ठीक है, तो मेरे सामने जो होगा फेस की साइड क्या होगा, पूरब होगा। मेरे पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा। मेरे लेफ्ट क्या होगा, उत्तर होगा। मेरे राइट क्या होगा, दक्षिण होगा। ये याद कर लीजिए, पूरब पश्चिम दो चीज़ें याद, एक चीज़ याद करनी है बस, हमारे राइट साइड क्या होगा, दक्षिण होगा, बाकी तो याद ही है, पूरब पीछे पश्चिम, और फिर एक याद हो जाएगा, दूसरा उत्तर हो जाएगा। ये लेफ्ट याद कर लीजिए, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो हमारा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, जो हमारे कॉपीज पे यूज किया जाता है या जो मानचित्रण में यूज की जाती है डायरेक्शन, वो पूरब को ऊपर ना दिखा के हम करते क्या है, हमारी अर्थ का रेफरेंस लेते हैं। अर्थ जो है हमारी, अर्थ कुछ टिल्ट है इस तरीके से, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये उत्तर है, ठीक है, और ये दक्षिण है। सूरज यहाँ पे, सूरज उदय जो होता है इधर से पूरब से होता है, और ये पश्चिम हो जाता है, ठीक है, और ये साउथ हो जाता है, जो ऊपर टॉप मोस्ट है, लेकिन हम इसको अपने जो मानचित्र में यूज करते हैं वो इस तरीके से यूज करते हैं। ये वाली डायरेक्शन हमारी उत्तर होगी, नॉर्थ होगी, ये दक्षिण होगी, मतलब साउथ होगी, ठीक है, ये ईस्ट होगी, ठीक है, मतलब पूरब होगी, और ये पश्चिम होगी, वेस्ट होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस हो जाती हैं जो हमारा एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, इस डायरेक्शन को हमें याद करके चलना होगा। एक चीज़ और भी है, ये सारी डायरेक्शंस जो हैं हमारी 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। अगर जो हमें उत्तर और पूरब के बीच कितना कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ऐसे पूरब और दक्षिण के बीच में हमारा कोण कितना बनता है वो होता है 90 डिग्री का, दक्षिण और पश्चिम के बीच में 90 डिग्री का। एक चीज़ तो ये हो गई, अब सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे जिस तरफ हमारा फेस होगा, जैसे मेरा फेस अगर जो माना कि इधर की तरफ है, अगर जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ उत्तर की तरफ फोकस करके देख रहा हूँ, उत्तर की तरफ फोकस करके देख रहा हूँ, तो हमारा राइट इधर होगा, RIGST, ठीक है, और इधर हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है। सपोज दैट जैसे मैंने उत्तर की तरफ फेस किया तो हमारा राइट इधर होगा, सपोज दैट मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, इधर की तरफ मैं फोकस्ड हूँ, मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, तो हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ऐसे ही अगर जो हम फोकस दक्षिण की तरफ करके देखेंगे तो हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ऐसे सिमिलर अगर जो हम इधर की तरफ फोकस करके देखेंगे तो हमारा लेफ्ट नीचे होगा और राइट इधर होगा, ठीक है। ये चीज है हमारी सिर, जो हमारे फेस की डायरेक्शन होगी वो अगर जो इस तरफ है तो राइट ऐसे होगा, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं उत्तर की तरफ खड़ा हूँ तो मेरा राइट इधर होगा, अगर जो मैं इधर की तरफ खड़ा हूँ, जैसे ये मैं हूँ, मेरा फेस इधर है, तो इसका राइट कैसे होगा, इधर की तरफ होगा। अगर जो ये मेरा फेस है और इसको इधर कर दिया तो राइट हमारा किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये की है जो हमें समझ के चलनी होगी, क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होती है और इसको हमें याद करके ही चलना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसी में हमारा क्या होता है, कुछ उप दिशाएँ होती हैं, ये हमारी चार दिशाएँ हैं, इसके बाद हमारी उप दिशाएँ होती हैं, और उप दिशाएँ क्या होती हैं, जो दो दिशाओं को मानकर बीच में दिशा मानी जाती है, जैसे ये हो गई, ठीक, ये हो गई, चार दिशाएँ और होती हैं हमारी जो उप दिशाएँ कहलाती हैं,
ये उत्तर पूरब हो जाएगी, ठीक है, ये पूरब दक्षिण हो जाएगी, फिर ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और ये पश्चिम और उत्तर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये दिशाएं हमारी जो है, जो मेन दिशा है, उसके साथ 45 डिग्री का कोण बना के चलती हैं, ठीक है। इनका नामकरण पूर्व उत्तर भी हो सकता है, उत्तर पूर्व भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दो दिशाओं को जोड़कर जो दिशा बनती है वो उपदिशा होती है। इस चीज़ को हमें याद कर लेना है। एक चीज़ और भी होती है, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, इसमें कोण क्या होंगे, हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, ठीक है, ये 90, ठीक है, 180, 270 और अगेन 360। अगर जो हम इस पर क्लॉकवाइज बात करते हैं, क्लॉक, और इसको दक्षिणा वर्त बोलते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉक क्या होगा, ऐसे हम घूमेंगे तो क्लॉकवाइज होता है, और इधर से घूमेंगे तो हमारा एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक, और इसको बोलते हैं हम वामावर्त, वर्त दिशा, ठीक है। ये चीज भी हमें याद करके चलनी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं तो हमें इस कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारा है, मैं एक डायरेक्शन ये थी, ये नॉर्थ थी, ये साउथ थी, ये ईस्ट थी, ये वेस्ट थी, ठीक है, और मैं जो है यहाँ नॉर्थ पे था। सपोज दैट मैं 45 डिग्री घूम जाता हूँ, या हमारा जो ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये घूम जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री इधर चला जाता है, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा जो ये पूरा चैनल है वो घूम जाता है, तो नॉर्थ हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, साउथ कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो हमारी जो, हम नहीं घूमते, हम स्थिर हैं, लेकिन अगर जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम घूम गया, ये डायरेक्शन घूम गई 45 डिग्री से, तो हम अब नई पोजीशन जो हमारी होगी वो क्या होगी, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, मतलब पश्चिम उत्तर, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। इसी में एक चीज़ और भी समझते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसमें सूरज के आधार पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सूरज का उदय और अस्त एक निश्चित है, और उसका शैडो, उसकी परछाई बनना भी निश्चित है। अगर जो सूरज हमारा, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, सूरज अगर जो पूरब में है, मॉर्निंग का समय है, प्रातः काल है, सूर्योदय है, तो यहाँ पे सूरज है, तो ये सन है हमारा, ठीक है, तो सन और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा फेस चाहे जिधर भी हो, मैं अगर जो पश्चिम, मैं इधर इधर की साइड फेस करके खड़ा हूँ, तो ये पूरब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, उत्तर इधर आ जाएगा, ठीक है, नहीं, ये लेफ्ट साइड है, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण हो जाएगा, तो मेरा फेस उत्तर की तरफ है, तब भी मेरी शैडो जो बनेगी वो परछाई मेरी किधर बनेगी, मेरी शैडो, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मेरी शैडो यहाँ पे बनेगी, मतलब पश्चिम की तरफ हमारी शैडो बनेगी, ठीक है, हवाई शैडो कहाँ बनेगी, पश्चिम की तरफ। अगर जो यही सनसेट की बात आ जाती है, ठीक है, सूर्यास्त की बात आती है, तब क्या होगा, अभी तो ये मॉर्निंग टाइम था, ये मॉर्निंग रेड वाला हमने मॉर्निंग किया, ये मॉर्निंग प्रातः काल की स्थिति है, जब सूरज यहाँ होगा तो हमारी परछाई पीछे पड़ेगी, ठीक है, और अगर जो हमारा सन यहाँ पे है, मतलब पश्चिम में है, तो ये इवनिंग का है, तो हमारा इवनिंग के टाइम क्या होगी, हमारी शेडो यहाँ पे बनेगी, ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हमारा फेस चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे जिधर भी हो, हमारी शेडो जो बनेगी। अब एक चीज और भी पूछी जा सकती है, सपोज दैट मेरा फेस उत्तर की तरफ था और मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है,
मेरा फेस उत्तर की तरफ था और मॉर्निंग का टाइम था, ठीक। मैं फेस करके उत्तर की तरफ खड़ा था और मॉर्निंग का टाइम था, तो अगर जो मेरा फेस उत्तर की तरफ है, ठीक है, इधर की तरफ मैं खड़ा हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा राइट होगा, ये होगा मेरा लेफ्ट, तो हमारी शैडो किधर बनेगी, ये होगा हमारा फ्रंट, ये होगा हमारा बैक, तो हमारी शैडो किधर बनेगी, हमारे लेफ्ट बनेगी, ना फ्रंट में बनेगी, ना बैक में बनेगी, ना राइट में बनेगी, ना लेफ्ट में बनेगी, हमारे सॉरी लेफ्ट में बनेगी, ना राइट ना फ्रंट ना बैक, सिर्फ लेफ्ट में बनेगी अगर जो मॉर्निंग का टाइम है, और अगर जो इवनिंग का टाइम होता तो हमारे राइट में बनती। और सपोज दैट हम अपना फेस चेंज कर देते हैं, हम इधर की तरफ हैं, तो हमारी जो शैडो होगी मॉर्निंग के टाइम, जो हमारी शैडो बनेगी वो बैक साइड बनेगी, और इवनिंग के टाइम हमारी जो शैडो बनेगी वो फ्रंट में बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्वेश्चंस में हम देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट और भी है, अगर जो ना मॉर्निंग है ना इवनिंग है, 12 PM, ठीक, मतलब दोपहर का 12 बजा है, तो हमारी शैडो हमारे पैरों पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, एकदम बॉटम पे बनेगी हमारे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। एक और चीज़ है, हमारे जो कई सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी, तो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, मतलब जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, मतलब एक 90 डिग्री का होगा, रिमेनिंग का जो होगा वो सम वो 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो वो ए और बी, ठीक है। अगर जो ये एंगल है अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम लगाएंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, बराबर आधार प्लस लंब, बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। जो आगे हम कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे, इसके भी क्वेश्चंस हम साथ में लेके आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो क्वेश्चंस किस किस चैप्टर पे होंगे, हमने कोडिंग डिकोडिंग देखा, कोडिंग और डिकोडिंग पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर हमारा था बैठने की व्यवस्था पे था, मतलब जो क्रम व्यवस्था थी, और तीसरा टॉपिक हमने आज देखा डायरेक्शन, दिशा और दूरी। इन तीन टॉपिक पे आगे की न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, लगभग हम हर टॉपिक में 40-50 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो एग्ज़ाम्स में अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो अगला हमारा जो राउंड होगा वो इन तीन चैप्टर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।